ऑनलाइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग HTML में टेबल टैग के अंदर रो स्पैन और कॉल स्पैन देखेंगे। हालांकि इस पे एक वीडियो पहले भी बना था जिसमें रो स्पैन और कॉल स्पैन था, आज उसमें हम लोग थोड़ा और एडवांस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, इसको कैसे रो स्पैन कॉल स्पैन किए हैं। आज हम लोग यहाँ पे डबल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉलम को भी स्पैन किया गया और रो को भी किया गया। इसमें क्या था, यहाँ पे सिर्फ रो था और यहाँ पे कॉलम था, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, एक साथ रो को भी करेंगे और कॉलम को भी करेंगे। इस टाइप का बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, नया टेबल बनाते हैं। यहाँ पे दो HR ले लेते हैं, दो क्या तीन ले लेते हैं और एक दो ब्रेक भी ले लेते हैं, सेव। अब यहाँ से हम टेबल बनाना शुरू करते हैं, नया टेबल, फ्रेश टेबल बनाएंगे। टेबल, टेबल को क्लोज करेंगे। टेबल के अंदर सबसे पहले हम एक TR बनाएंगे, TR के अंदर TD बनाएंगे, TD को क्लोज भी कर लेंगे और TR को तो अभी क्लोज नहीं करेंगे, और TD बनाना है इसके अंदर। मान लिया जाए हम लोगों को चार बनाना है, कॉपी कर लिए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, पांच बना लेते हैं और एक TR यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो एक रो तैयार हो गया मेरा, पांच कॉलम वाला एक रो तैयार हो गया। अब इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, चार पांच बना लेते हैं, पांच बन गया। अब टेबल में ऊपर चल के बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 2 और इसका विड्थ दे देते हैं टेबल का। अगर विड्थ नहीं देंगे तो अभी टेबल वहां अच्छे से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें कुछ लिखे नहीं है, सारा का सारा ब्लैंक ही है। साथ ही साथ हाइट भी देना पड़ेगा, हाइट दे दिया, चलिए 150 पिक्सल, सेव करते हैं और यहाँ आकर इसको देखते हैं। ये फाइल टेबल 2 के नाम से है, टेबल 2, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए एक टेबल अपना यहाँ पे आ गया, तीन रो और ब्रेक लिए थे, उसके अलावा टेबल यहाँ आ चुका है। अब मान लिया जाए कि हम लोगों को इसको मिलाना है यहाँ से यहाँ तक, टेक्स मतलब सेकंड रो का पहला कॉलम से मिलाना है तीसरे कॉलम तक, और फिर थर्ड रो के भी कॉलम्स को मिला देना है तीन कॉलम तक, और फोर्थ रो के कॉलम को भी मिला देना है। मतलब एक दो तीन और इधर भी तीन, नौ कॉलम्स को मिलाकर एक बॉक्स बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जहां से मिलाना शुरू करना है, या फिर आप चाहते हैं कि यहीं से मिला ले, इतना को मिला ले, यही मिला लेते हैं। सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से शुरू करना है मिलाना, ठीक है, और कितना कॉलम को मिलाना है, तीन कॉलम को, और इधर भी तीन रो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहां से मिलाना है सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो, ये है मेरा, ये सेकेंड रो है ना, ये थर्ड रो है, ये मेरा फोर्थ रो है, और ये एक यहां से एक, ये फोर्थ ये है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, थर्ड है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। तो यहां से मिलाना है सेकेंड कॉलम के, कहां से मिलाना था हम लोगों को, सेकेंड रो से मिलाना था, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से मिलाना था, सॉरी। चलिए तो यहां पे मिलाएंगे, क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो लिख देंगे कॉल स्पैन, कॉल गलत हो गया, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन इक्वल टू 3, तीन को मिलाना था। यदि हम यहाँ पे तीन कॉलम को एक कॉलम बना रहे हैं तो दो कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा होगा, एक बार चल के देख लेते देन मिटाएंगे, लेकिन दो कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा। रिफ्रेश करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दो कॉलम क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो इन दोनों कॉलम को मिटा देते हैं, मतलब यहाँ से दो कॉलम हम लोगों को, दो TD हटा देना होगा। चलिए सेव कर लीजिए। अब इधर आकर देख लीजिए तो ये ओके है। अब हम लोगों को इसको भी नीचे तीन लाना है, जैसे एक ये हो गया, एक और एक और, तीन लाना है। इट मीन्स हम लोगों को यहाँ से ही तीन रो को भी क्या कर देना है, स्पैन कर देना है। चलिए उसी जगह से, उसी पॉइंट से, तो यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, कॉल स्पैन के साथ साथ क्या लिख देंगे, रो स्पैन इक्वल टू 3।
पहले दिन इसके पहले वाले में हम देखे थे रो स्पैन अलग लगाए थे और कॉल स्पैन अलग लगाए थे, आज हम एक ही टीडी के अंदर रो स्पैन भी लगा रहे हैं और कॉल स्पैन भी लगा रहे हैं। तो जब हम रो स्पैन थ्री किए तो ये करेगा क्या, इसको 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 इस सभी को मिटा देगा, मतलब यहाँ पे एक दो तीन और तीन छह एक्स्ट्रा हो रहा है, छह एक्स्ट्रा हो रहा है ना, छह हम लोगों को छह टीडी को मिटाना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर रो से तीन टीडी मिटाना पड़ेगा और चौथे नंबर रो से भी तीन टीडी मिटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अगर हम लोग इसको सेव कर दें, ये जो हम कोड अभी चेंज किए यहाँ रो स्पैन लगाए, सेव करके यहाँ देखना चाहे तो यहाँ पे छह एक्स्ट्रा हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए छह एक्स्ट्रा हो गया ना, तीन तीन। अभी इसी तीनों तीनों को क्या कर देना है, मिटा देना है। रो नंबर थ्री से तीन टीडी मिटाना है और रो नंबर फोर से भी तीन टीडी मिटाना है। चलिए मिटा लेते हैं, तो रो नंबर थ्री अपना ये है, इससे तीन टीडी मिटा दीजिए, कोई भी तीन मिटाएंगे अभी, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। तो बात एक ही, अगर लिखा हुआ रहता तो फिर वो आपको दिखा भी देता क्या लिखा हुआ है, किसको मिटाना है, कौन बाहर गया। चलिए यहां से भी तीन को मिटा देते हैं, अब सेव कर लीजिए। अब यहां आकर देखिए हो गया, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन भी एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक इमेज ले लेते हैं, उस दिन इमेज लेना चाह रहे थे नहीं लिए थे, आज लेते हैं। क्या IMGSRC इक्वल टू, हम लोग इमेज के अंदर ही कुछ फाइल रखे होंगे, इमेज फोल्डर है अपना, फाइल होगा 2.jpg होना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं, सेव अगर होगा तो आ जाएगा, था आ भी गया, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था इसलिए वो नजदीक हो गया, क्लोज हो गया। इमेज का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, हाइट HEIGHT हाइट इक्वल टू कितना, 100 पिक्सल और विड्थ भी 100 पिक्सल कर देते हैं, सेव, सॉरी सेव। अब चल के देखते हैं, ठीक है, नहीं विड्थ को थोड़ा सा और घटाना चाहिए, क्योंकि हम लोग टेबल का विड्थ दिए हुए हैं ना, इसी वजह से ये टेबल अपने जगह पे ही है, अगर हम टेबल का विड्थ हटा देंगे तो इसमें कुछ कुछ लिखना पड़ेगा तब सही रहेगा। ट्रायल के तौर पे अगर लिखना चाहते तो लिख लेते हैं, यही है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो इमेज है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सेव करिए। अब आकर देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग इमेज का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या टेबल का विड्थ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टेबल का जो विड्थ है अपना 50% है, 25% कर लेते हैं, कंटेंट्स मेरा छोटा छोटा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेज का विड्थ बढ़ा लेते हैं, इमेज है अभी कितना है, विड्थ है 125 करके देख लेते हैं, सेव, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 145 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस सबको अगर सेंटर में लाना है तो पहले देखे थे हम लोगों को रो में लिखना पड़ेगा, TR में क्या लिखना पड़ेगा, इसके TR में लिख देते हैं अलाइन सेंटर, और इसी को अगर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, देखिए सेंटर में आ गया। टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चाहते हैं तो टेबल में ये क्या लिख देंगे हम लोग, BG कलर इक्वल टू येलो ही ठीक रहेगा, येलो, ठीक है। अगर हम सारे टेक्स्ट का कलर एक जैसा चाहते हैं, अभी फिलहाल तो हम कर सकते हैं, तब मुझे यहां आना पड़ेगा, बड़ी कहाँ है, बड़ी 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 है ना, यहाँ पे बड़ी में हम दे सकते हैं
टेक्स्ट इक्वल टू रेट देते हैं, अभी रिफ्रेश करके देखिए तो देखिए सारा टेक्स्ट क्या हो गया,